तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी इस टाइम मैं बाहर हूँ अपार्टमेंट के, और ये है भाई अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के रेंट कितने आयरलैंड में वो आपको दिखाते हैं, और अपार्टमेंट भी दिखाते हैं भाई अपार्टमेंट के कैसे दिखते हैं डब्लिन में जब आप नए लेते हो, क्या कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। लो भाई, कुछ ऐसा सीन है अपार्टमेंट के अंदर बढ़ते। इस भाई ने लिया अपार्टमेंट, कंग्रेचुलेशन, और साथ में भाई सारी एक्सप्लेनेशन आपको देता है अभी क्या क्या यहाँ पे अपार्टमेंट में आपको मिलता है। ओहो, लो भाई आप भी मुँह मिठा करो। भाजी ने भी एकदम डब्बा खोला जैसे कैमरा ऑन होया। कंग्रेचुलेशन भाई ना, कंग्रेचुलेशन यार ना, बहुत बहुत आपको मिलता है भाई माइक्रोवेव जैसे आप अपना अपार्टमेंट लेते हो। कैटल्स मिल गया है भाई को तड़का लगाने वास्ते, बिरयानी बनाने वास्ते बड़ा सा औजार मिला है, साथ में एयर फ्रायर तो नहीं, ऑयल फ्रायर है ना। हाँ, ऑयल फ्रायर मिला है। फ्रिज ऐसे खोल दे क्योंकि इसमें स्मेल हो जाती है भाई ना, रखे क्योंकि बंद रहेगा, बिजली भी आपकी यूज होती रहेगी। और डिश वॉशर मिला है साथ में, ओवन मिला है, और ऐसे सारा अपार्टमेंट। सोफा भाई आपको ऐसे मिला है ना? हाँ, ऐसे मिला है। और वैसे अच्छा लग रहा है भाई ना, नोट बेड, और ये भी भाई को ऐसे मिला। अब आपको दिखाते हैं भाई रूम। अभी दो रूम का भाई किराया क्या होता है, रेंट क्या होता है डब्लिन आयरलैंड में, वो आपको पता लग जाने वाला है ना, अभी शौक हो जाओगे देख के। वैसे एक बार बताऊँ, रूम काफी बड़ा है भाई ना। ये कुछ ऐसे मिलता है भाई जब भी आप नया अपार्टमेंट लेते हो। वार्डरोब्स मिली है साथ में भाई, अपना ये अलमीरा भी लगी हुई है, और साथ में बाहर का व्यू सब कुछ लगा हुआ मिलता है। इवन क्या अगर रेंट पे ले रहे हो या फिर जैसे किसी से बाय करते हो अपना घर, इस तरह के कुछ अपना टॉयलेट होते हैं। और ये अपना रहा भाई दूसरा रूम, ऐसे भाई दो टॉयलेट हो गए इस अपार्टमेंट में, और साथ में भाई बाहर का व्यू मिल गया है ना। और जो मीटर माटर लगा हुआ है वो मेरे ख्याल से बाहर ही होता है अपार्टमेंट्स का, बट जो रेंट है इसका अगेन भाई ना, आप शौक हो जाओगे सुन के भी। ये अपना बड़ा रूम है और साथ में छोटा है, ये पीछे भी बालकनी होगी अपना ना। और जो लोकेशन बताओ ना भाई इस अपार्टमेंट के, वो है भाई शॉपिंग सेंटर, हम बिल्कुल उसके ऊपर खड़े हुए हैं, सेंटर में है सोर्स के। तो एक्सपेंस होना है, रेंट भी एक्सपेंसिव होना है, साथ में इसका जो प्राइस है वो भी एक्सपेंसिव होना है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए इसका अपार्टमेंट का रेंट प्लस आपको बताते हैं इसकी जो कॉस्ट पड़ी है भाई है ना। भाई कितना पड़ता है इसका रेंट? 2400-2500। और एटलीस्ट ऐसे अपार्टमेंट का, दो बेडरूम अपार्टमेंट का भी आपको रेंट मिल। देखिए कितना बड़ा है, सीलिंग देखो ना कितनी अच्छी है, फीलिंग आती है आपको। सो ऊपर जाओ शॉपिंग सेंटर के ऊपर, बिल्कुल चाहे कच्चे में नीचे चले गए शॉपिंग करके ऊपर आ गए, और ये इसका बेनिफिट हो जाना है। साथ में भाई अगर आपके पास वाइफ है तो उन्होंने तो हर रोज खर्चा करना है, ये आपको बेनिफिट नहीं माइनस पॉइंट लगना है, क्योंकि हर रोज भाई ऐसी ऐसी शॉपिंग होनी है। साथ में इसका रेंट मैंने बताया 2400 यूरो, और इसका जो बाय करने का प्राइस है वो कितना पड़ता है भाई ना। अच्छा, ये जैसे इसमें सूरज का पता लग जाए भाई, सन किधर से निकलता है, किधर से इधर से जाके ना घूमता हुआ, क्योंकि सन आपके भाई अपार्टमेंट पे रहेगा। जब भी आप बाय कर रहे हो ना, ये चीज जरूर देखनी है आपने ना, कि सन जो सूरज है अभी कहाँ से निकल के कहाँ से एंड होता है। तो क्योंकि अगर आपका बैक साइड पे है ना किसी के अपार्टमेंट आपके सामने है, तो ठंडा रहता है भाई घर, घर के अंदर स्मेल भी रहती है। यहाँ पे भाई जो सूरज है साथ में घूमता हुआ आएगा और इधर ही रहेगा, साथ में भाई ना लाइटिंग भी बड़ी अच्छी रहती है घर पे ना। तो अब चलते हैं अभी सीधा घर पे, और गाड़ी में बैठ के इस अपार्टमेंट का आपको प्राइस बता देते हैं। चलो यार, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मिलते हैं अभी ना जल्दी, और बहुत बहुत बधाई भाई ना। ओके भाई, आपको भी बधाई हो मिठाई वास्ते। तो साथ में भाई मैं दिखा दूं ना, इसका लिफ्ट है और ये अपना फ्लोर लगा हुआ है जो इसके अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही है, और इसका जो सिक्योरिटी फीस है, और क्या कुछ इसका जो रेंट है, रेंट तो वैसे भाई ने बता दिया। इसकी जो लगती है भाई मेंटेनेंस फीस लगती है, जो कि बोलते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट फीस ना, तो वो साल में आपको पे करनी पड़ती है या फिर आप पर मंथ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऐसा अपार्टमेंट है वो मिलता है आपको 280-270 के अराउंड, 5000 ऊपर 5000 नीचे भी हो सकता है, डिपेंड है कि भाई कितनी डिमांड है उस टाइम मार्केट की। जब भी आपको अपार्टमेंट मिल रहा हो ना, डजंट मैटर कि 5000 ऊपर मिल रहा है नीचे मिल रहा है, तो आपने ले लेना चाहिए। वैसे यहाँ पे अकोमोडेशन की इतनी किल्लत है भाई, बहुत ज्यादा बुरा हाल है इस टाइम ना डब्लिन में। तो जैसे ही आपको अपार्टमेंट मिलता है भाई अपना बाय करने के लिए, मोर्गेज पे मिलता है, तो वैसे अपने ले लेने चाहिए। तो भाई ने भी अपना लिया अभी मोर्गेज पे, मोर्गेज उनको कितने की मिली है, कितनी उनको मिले वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर भाई मेरे को मिला तो थोड़ा सा गाइड आपको भी हो जाएगा, आपको पता लगेगा कैसे मोर्गेज कराई और किससे उन्होंने मोर्गेज कराई है। मोर्गेज के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास जॉब को होना यहाँ पे जरूरी है, और आपकी सैलरी भी ठीक ठाक होनी जरूरी है, और जो उसकी मैनेजमेंट फीस है ना वो भी भाई एक्सपेंसिव है, मतलब कि आपको पर ईयर पे करना पड़ता है इस अपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट को फॉर मेंटेनेंस, लाइक लिफ्ट को क्लीनिंग करने के लिए, आउटसाइड जो आपने मैट्स वगैरह देखे हैं जब हम अपार्टमेंट के अंदर बढ़ते हैं, और दूसरी सिक्योरिटी वगैरह, और जो पार्किंग वगैरह इसकी अंडरग्राउंड में है वो मैंने आपको दिखाई नहीं है। तो 2400 यूरो आपने पे करना ही करना है उनको पर ईयर, जो कि 2200 भी होता है, कई बार 2300 भी होता है, 2400 भी होता है, तो इसके करीब होता है जो आपने पे करना ही है। जो ओनर होता है घर का उसको पे करना है, जो रेंट पे आप ले रहे हो तो आपको 2400 ही पे करना है पर मंथ, तो जो कि बहुत ज्यादा है ना। लेकिन इस घर का रेंट भी बहुत ज्यादा, जैसे भाई 2400 यूरो को पे करेगा मैनेजमेंट के, उतने उसको रेंट पे आ जाना। तो कंग्रेचुलेशंस भाई को ना, इतनी कम उम्र में
इतना बड़ा भाई ना एक्सपेंसिव अपार्टमेंट लेने वास्ते ना, तो अगर आप भी जॉब कर रहे हो भी इजीली मिल जाता है, मॉर्गेज का होना जरूरी है। तो पता नहीं तो भाई अपने आप रहेगा, पता नहीं तो किसी को रेंट पे देगा, तो अगर रेंट पे देता है तो भाई मैं इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दूंगा कि अगर आप रेंट पे बाय करना चाह रहे हो, वैसे भी 2400 यूरो ऐसे अपार्टमेंट का आपको रेंट मिलता है, देना पड़ता है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप नए आ रहे हो ना डबलिन में, आप इसको शेयरिंग में ले सकते हो। तो शेयरिंग मतलब कि एक रूम आप रखोगे, एक रूम आप अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड को दे दोगे, तो 1200 यूरो आप पे करोगे, 1200 यूरो आपका फ्रेंड पे करेगा, तो वो भी अपने 1200 यूरो में किसी और को भी अपने रूम में रख सकता है। तो 600 यूरो वो पे करेगा और 1200 यूरो आप पे कर दोगे, उसको बोलते हैं भाई आयरलैंड डबलिन में शेयरिंग, जो कि भाई आज के टाइम में जरूरी हो गया क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई। 2400 यूरो एक मंथ का रेंट एक अपार्टमेंट का भाई ना, आप खुद देखो, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, फूड का एक्सपेंस और उसके बाद आपका इंटरनेट और काफी एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, ग्रोसरी एक्सपेंसिस वगैरह करके भाई 2500-2600 यूरो आपका टोटल 2700-2800 यूरो भाई मंथली आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग। और वैसे तो भाई आज ना क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच का भी व्लॉग आपने चेक करना है, इंडिया वर्सेज आयरलैंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।